हाय, आज बहुत दिनों के बाद एक नॉर्मल व्लॉग हम शूट कर रहे हैं, एक नॉर्मल व्लॉग बना रही हूँ। वेल, आज का दिन ऐसा है कि आज राहिने का टेस्ट है, इंग्लिश का एग्जाम है उसका, जो सेशन है उसका करंट वो खत्म होने वाला है, एग्जाम है, उसके बाद फिर छुट्टियाँ हैं, फिर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो पढ़ाई उसकी पूरी हो रखी है, बट आई ट्राई कि वो थोड़ा सा रिविजन कर ले, मैं उसे रिविजन करवाऊँगी। एंड उसके बाद हमारा नॉर्मल रूटीन, एंड इवनिंग में मैंने कुछ इंटरेस्टिंग प्लान किया है। हमारे पास एक कॉटन कैंडी मेकर है, सोचा है कि राहिने के फ्रेंड्स के लिए और राहिने के लिए कॉटन कैंडी बनाऊं। एंड ये जो कॉटन कैंडी मेकर है, इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट लाइक दैट मुझे ट्राई करना था कि क्या ये कॉटन कैंडी मेकर काम करता है, घर में कॉटन कैंडी बन सकती है या नहीं। मुझे गोदी में सोना है तुम्हारे। राहिने, ये बेड की चद्दर कौन ठीक करेगा? नाश्ते के लिए मैंने ओट्स के डोसे बनाए हैं, तो डोसे के बैटर में ही ऑलरेडी हरी मिर्च है, लहसुन है, तो इससे इस डोसे का इतना अच्छा टेस्ट होता है कि चटनी की भी जरूरत नहीं पड़ती। बी की बिलो। वाओ, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। नाउ नेक्स्ट। जी हाँ, राइट इट। Come again. R for, what did you say? R for Rahine, R for Rabbit. Very good. Now write. Hello. Kya ho raha hai? Hello. Small A, small B, small C, small D, small E, small F, small G, small H, small I, small J, small K, small L, small M, small M, small O, small P, small Q, small R, small S, small T, small U, small V, small W, small X, small Y, small Z. Very good. Baby, mama. Wow, look at the shadows. Rahine, how many shadows can you see? Three shadows. Rahine ko hum drop karke aaye hain. Aaj hum dono gaye kyunki uska exam hai. All the best views se bol diya hai. तो राहिने का स्कूल पास में ही है, लेकिन इतने में ही ना बहुत गर्मी हो जाती है और गर्मी से हाल बेहाल हो जाता है, फेस भी डल हो जाता है और ग्लो भी नहीं रहता। सो अब मैं फेस वॉश करूंगी ताकि मुझे फ्रेश फील हो और उड़ा हुआ ग्लो भी जरा वापस आ जाए। तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ वाओ स्किन साइंस की विटामिन सी रेंज। इसमें है विटामिन सी फेस वॉश और विटामिन सी सीरम। पहले मैं यूज़ करूंगी ये ब्राइटनिंग विटामिन सी फेस वॉश। ये फेस वॉश हेल्प करता है फेस से डर्ट और पोल्यूटेंट्स को क्लियर करने में। इस फेस वॉश में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड मेलानिन ब्लॉकर है, जो एक्सेस मेलानिन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं एंड स्किन रेडियंस को बूस्ट करते हैं। ये फेस वॉश साइंस ऑफ एजिंग से फाइट करने में हेल्प करता है एंड पैची स्किन टोन को इवन आउट करने में भी हेल्प करता है। इसमें है एक्टिव विटामिन सी, लेमन एंड ऑरेंज एसेंशियल ऑयल्स, मलबरी एंड लिकोरिश एक्सट्रैक्ट्स। सेकेंड है विटामिन सी सीरम। ये हेल्प करता है पिगमेंटेशन को फेड आउट करने में एंड डल कॉम्प्लेक्शन को रिवाइव करने में। साथ ही ये स्किन में एक ग्लो ऐड करता है। इसे लगाने के लिए पहले डॉट डॉट करके अप्लाई करें एंड देन डैप करें ताकि ये अच्छे से स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए। वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स में कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते, जैसे कि नो सिलिकॉन्स, पैराबेन, सल्फेट्स एंड मिनरल ऑयल। ये ग्लो लाने के लिए आप भी इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। इनकी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मेरा कोड priyanka20 यूज कर सकते हैं टू गेट 20% डिस्काउंट ऑन देयर वेबसाइट buywow.in। सो बी वाओ नेचुरली। राहिने स्कूल गया हुआ है और मैं थोड़ी सी एडिटिंग करूंगी, बिकॉज लंच का इतना कोई टेंशन नहीं है। कल मैंने काजू करी बनाई थी और वो पूरी की पूरी काजू करी एज इज है, क्योंकि जो लेफ्ट ओवर था वही खत्म नहीं हुआ, तो काजू करी बची हुई है, इसलिए आज लंच में काजू करी है। तो मैं अभी थोड़ी एडिटिंग कर लेती हूँ, काफ़ी अभी टाइम है मेरे पास, इसका मैं सदुपयोग करूँगी और थोड़ी देर के बाद राहिने को हम लेने जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो एडिट कर रही हूँ जो द टेरेस किचन पर जाने वाला है। मैं भी बताऊँगी नहीं वीडियो क्या है, बट आप देख लेना जब ये जाएगा। और आप अगर गेस कर सकते हैं उस वीडियो को देख के कि यही मैं एडिट कर रही थी, तो आप कर सकते हैं। राहिने को अब मैं स्कूल से लेने जा रही हूँ। यह है टेस्टी काजू करी जो आज हम लंच में खाने वाले हैं। राहिने, गार्लिक को क्या हुआ? उसको लग गई, टूट गया टमी उसका। टमी टूट गया? हाँ। फिर वो डॉक्टर के पास गया? हाँ। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने ऐसे बात कर वो बोला था। किसको? गार्लिक को बोला या तुमको बोला? गार्लिक को। पर तुमने तोड़ा ना उसको? हाँ।
तो फिर पनिशमेंट गार्लिक को क्यों? तुमको मिलनी चाहिए ना? नहीं। पनिशमेंट, पनिशमेंट, पनिशमेंट। अब ये हमारा लंच टाइम, तो हम लंच कर लेते हैं, काजू करी रोटी और थोड़ा सा प्याज। हमारी जब भी शूट होती है तो इस कैबिनेट में से हम सामान निकालते हैं और शूटिंग करते हैं। इस कैबिनेट में वापस से सामान मैं जमाती हूँ। मैंने इसका डिटेल वीडियो बनाया था, तो इस कैबिनेट में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। एंड आफ्टर शूट इसे अच्छे से रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि चीज़ें साफ भी रहें और अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहें। राहिने, टीवी पे ऐड आती है ना वो जस्ट जस्ट, क्या ऐड आती है देखो, चॉकलेट की, क्या सॉन्ग है वो, व्हाट्स दैट सॉन्ग, कुड यू सिंग इट? सी एम सी तक मामन टी तक ते के द तुझे, ऐसे है क्या? हां, जस्ट मी एंड यू, अलग है वो गाना। अयो, आई मिस्ड इट, अरे थोड़ा सा बच गया, ये मैंने डाला। हां, अरे गया, हाई फाइव। राहिने, अभी इवनिंग में तुमको कॉटन कैंडी चाहिए। हाँ। कैसे बनाते हैं? ऐसे गोल गोल घुमा के, गोल गोल घुमा के। हाँ। किसने बनाई थी कॉटन कैंडी, तुमको याद है? निकिता ने, निकिता देखी ने ना, वो ऑरेंज ऑरेंज कॉटन कैंडी, वो सही चाहिए ऑरेंज के कॉटन, पर ऑरेंज नहीं है बेटा हमारे पास, दूसरा कलर चलेगा क्या? व्हाइट चलेगी? व्हाइट कॉटन कैंडी चाहिए? हाँ। मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो तुमने कर लिया। वाओ, वेरी नाइस। नेक्स्ट, ओ एनीवन, स्पेलिंग ऑफ टू, टी डब्ल्यू टू, ये तो डबल ई, एफ ओ यू एफ ओ एफ आई ई एफ आई एफ 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 ई ई एन एफ ई एन तुमको पता है? इसमें ये घूमता है। मैं बना रही हूँ पानी पूरी शाम के स्नैक के लिए, तो फ्रेंड्स जो है राहिने के दो आने वाले हैं, और दोनों के साथ मम्मियाँ भी होंगी उनकी, एंड हमारे लिए भी हो जाएगा। तो मैं बना रही हूँ पहले एक चटनी। एक्चुअली एक बार मैंने चटनी बनाई थी नॉर्मल हरी वाली, जिसमें मैंने टमाटर भी डाला था और साथ में लहसुन भी डाला था। उससे जब मैंने पानी पूरी का पानी बनाया था, वो बहुत अच्छा बना, और राहिने ने भी वो पानी पूरी खाई। तो मैं सेम चटनी बनाऊंगी और उससे पानी बनाऊंगी, और बैकग्राउंड में आप राहिने को सुन सकते हैं, वो बिल्कुल चुप ही नहीं बैठ रहा है, वो कंटिन्यूस बोले जा रहा है, कुछ ना कुछ बोल रहा है, गा रहा है, तो बैकग्राउंड में उसकी आवाज़ है। तो ये है पुदीना, आंसू पूछो आंसू पूछो, ये कौन सा गाना है राहिने का पता नहीं। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ धनिया, ये धनिया और पुदीना दोनों मैं अच्छे से पहले धो लेती हूँ। यहाँ पे मैंने मिर्ची अदरक धो दिया है, तो मिर्ची, मिर्चियाँ, अदरक और धनिया और पुदीना, ये गया अंदर। नेक्स्ट मैं चटनी में डाल रही हूँ ये आधा टमाटर। तो मैं नॉर्मल पानी पूरी के पानी से अलग पानी बना रही हूँ, पर ये बहुत अच्छा बनता है। चार लहसुन की कलियाँ, वैसे हमारे यहाँ पे तो काफ़ी सारे पानी पूरी वालों के पास अलग अलग फ्लेवर का पानी पूरी होता है, जिसमें लहसुन भी होता है, हजमोला, हजमा, ऐसे कुछ तो होता है, ऐसे दो तीन फ्लेवर्स होते हैं। उसके बाद चटनी में नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ ये रोस्टेड चने की दाल, फुटाना दाल बोलते हैं इसे, तो एकदम थोड़ी सी जीरा पाउडर, और बाकी नींबू का रस वगैरह जो है मैं पानी में ही डायरेक्ट डालूंगी, पानी पूरी मसाला भी इसमें जाएगा, बट नमक तो चाहिए, से नमक भी और डालने वाला है, बट चटनी में भी डाल देती हूँ। अरे यार, ट्रे में से बर्फ के क्यूब्स यूज कर लिए पर वापस से भरी नहीं है, बचपन की याद आ जाती है, ऐसे खाली बॉटल्स और खाली फ्रिज के ट्रेस। कोई नहीं, मैं अभी इसे वापस फ्रीजर में रखती हूँ, एक आइस क्यूब है इसमें, इसे यूज करके फिर से जमाऊंगी। ये सिलिकॉन बेस वाली आइस क्यूब ट्रे काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी काम में आती है, आइस क्यूब्स उसमें से निकालना बहुत ईजी होता है।
अब मैं इन्हें पीस लेती हूँ और एक चटनी बना लेती हूँ और फिर बनाऊंगी पानी पूरी का पानी। ये चटनी मेरी रेडी है, थोड़ी सी पानी में डालती हूँ और मिक्स करके फिर एडजस्ट करूँगी बाकी चीज़ों के साथ। ये खुशबू सूंघ के हो सकता है कि अभिजीत भागे भागे यहाँ पर आ जाए क्योंकि उनको पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा काला नमक, पानी पूरी मसाला, और ये थोड़ी सी हींग, इससे भी पानी पूरी बहुत अच्छी बनती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इसकी और हमारे घर में खुशबू भी आ रही है, मतलब राहिन ने की एक फ्रेंड है उसकी मम्मी का नाम भी खुशबू है। जो भी पानी पूरी का पानी घर में बनाता है वही सबसे ज़्यादा उसे पहले टेस्ट करके देख लेता है। तो फिलहाल पानी बनाते मैंने इतना ज़्यादा इसे चख लिया है, मैंने ऑलरेडी मटके का पानी लिया है और इसे अब मैं थोड़ी देर फ्रिज में रखूँगी ताकि ये और ठंडा हो जाए, बिकॉज पानी पूरी का पानी ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है। ढक देती हूँ। अभी नेक्स्ट मैं बाकी की चीज़ें डाल रही हूँ, जैसे कि थोड़ा सा जीरा पाउडर। जीरा पाउडर बचा के रखती हूँ ताकि बाद में ऊपर से डालने के लिए काम में आए। थोड़ा सा काला नमक, और इसमें नॉर्मल नमक और मिर्च मैं अब डालूंगी। चटपटी आलू की स्टफिंग भी रेडी है, तो पानी रेडी है, ये रेडी है, पूरियां तो मैं रेडीमेड लेके आई हूँ, बस थोड़ा सा अभी धनिया और प्याज कट करके रख देती हूँ। सारी तैयारी हो गई है, पानी पूरी का सब सामान रेडी है, मसाले मतलब जो आलू की स्टफिंग है वो, पानी पूरी का पानी, पानी पूरी, प्याज भी रेडी है, धनिया भी रेडी है, और राहिल ने लेकिन सो गया है, उसे मैं उठाऊंगी अभी 10 मिनट में, अभी 4 बज रहे हैं तो 4:15 बजे तक मैं उसे उठा दूंगी। अब हम वेट कर रहे हैं राहिल ने के फ्रेंड्स के आने का एंड उसके बाद हम करेंगे छोटी सी पार्टी। बच्चों के आने का वेट कर रही हूँ मैं, देखते हैं। आई होप कॉटन कैंडी की मशीन सच में काम करेगी वरना टोटल फ्लॉप हो जाएगा। तीनों बैठ जाओ, चलो तीनों बैठ जाओ। बोलो आदरी का, बोलो ऐसे वेव करो, ऐसे करो, फिर वापस करो। आई करो ना श्री, करो हेलो। मैं बना रही हूँ, होपफुली बनेगा, नहीं बना तो बनेगा। बहुत टाइम के बाद ये मशीन निकाल रही हूँ। दूर से देखो, हाँ इधर ये दोनों को, इनको भी दिखना चाहिए। हाँ तो कैसे करते, कैसे घुमाते, कैसे आपके फ्रेंड्स, चलो ना यहाँ पे आपका फोटो भी आएगा, चलो उधर बैठो, ये देखो ये देखो, देखो ये कॉटन कैंडी रेडी, देखो वाह बोलो, दिख रहा है क्या बाकी के दो, दिख रहा है बाकी के दो छुटकों को, दिख रहा है क्या राही ने? दूर आ, पीछे कैसे बना, कैसे बना ना, ऐसे करता है ना निकिता, हाँ दूर खड़े रहो तुम, हाँ दूर रहो बेटा, हेजल देखो अपनी मम्मा के साथ दूर है ना, तुम भी दूर रहो पीछे। पिंक, इसको पिंक चाहिए बेटा, मेरे पास कलरफुल शुगर नहीं है, मैं ट्राई कर सकती हूँ वैसे, ट्राई करो ना पिंक मजा आएगा, मैं वो लेके आती हूँ, मेरे पास फूड कलर है ना। अच्छा अच्छा, ट्राई करो पिंक, पिंक ये बच्चों, वेरी गुड, कोई देर में हां तुम बैठो बेटा, कॉफी 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 कॉफी, दिस इज फॉर यू। अच्छा है, अभी मैं खाऊंगा, मैं खाऊं, देना अंकल को, देना है या तुम खाओगे, मतलब नहीं बोलना, खाओ हाँ देखो ना बेटा, शर्मा को नहीं, हेजल तुम्हारी लिपस्टिक तो निकल जाएगी अब कॉटन कैंडी के साथ, लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ मैं, वैसे ही उसने निकाल दी पहले, लिप बाम है, कॉटन कैंडी कैसे अत्याचार करती है। कैसी है, टेस्टी है,
है। ये अभी शरण आ रहा है। ये वो पीछे है बेटा, पीछे पीछे। कलर तो दिख भी नहीं रहा है। कौन सा है ये कलर? आ रहा है, हाँ आया आया। हेजल पिंक कलर। दो चार गुब्बारे भी रख लेती ना साथ में। अच्छा है पर खाया ही नहीं तो कैसे बोल रहे हो अच्छा है? ये अभी इतना स्मॉल बना है, ये खा लो। हाँ थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मशीन क्लीन करेंगे ना तो अच्छी बनेगी, तब थैंक यू बोलो। सबसे पहले बच्चों का नंबर है, वैसे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तीनों ही सबसे पहले आगे आ चुके हैं। हाँ। सिर्फ ये मीठी चटनी ही चाहिए ना इसे? मैं खाऊं? बोलो नहीं, बोलो खाओ क्या? राहिने का फिलहाल कुछ पानी पूरी खाने का इतना मूड नहीं लग रहा है, बट स्टिल मैं उसे दे रही हूँ, उसे भी खाना होगा तो खाएगा, बना वो बाद में खा लेगा। हमारी छोटी सी पार्टी खत्म हो गई है, बच्चों ने एंजॉय किया, कॉटन कैंडी अच्छी बनी, स्टार्टिंग के दो अच्छे बने, उसके बाद सब एकदम छोटे छोटे कॉम्पैक्ट से बन रहे थे, खैर बन गए, बच्चों को पसंद आ गए, उतना ही काफ़ी है। उसके बाद हम लोगों ने पानी पूरी खाई और नेक्स्ट टाइम मुझे जो बचा हुआ है यहाँ पर पानी और बाकी की चीज़ें ये रैपअप करनी है। और फॉर अ चेंज आज जिस मटके में पानी रखा था एक अलग सा फील आ गया, तो चटपटा सा पानी और बाकी की चीज़ें अभी भी बच गई है, पूरियाँ ज़्यादा बची नहीं है, पानी है थोड़ा सा, काफ़ी ज़्यादा बनाया था, थोड़ा सा आलू, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें बची है। मैं अभी कर लेती हूँ रैपअप, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।